अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 3 सब्जेक्ट जीएस और यूनिट 8 रीड करवाऊंगी। यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी डैट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट कि जब वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो करंट पैदा होता है। कैसे? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ऑफ चार्जेस है कि जब ये चार्जेस का बहाव होता है तो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और ये किन के जरिए फ्लो होता है? बाय वायर्स के जरिए। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर्स के जरिए बिजली जो है वो वायर्स में से गुजरती है तो क्या पैदा होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट वो पैदा होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तमाम चीज़ों में से नहीं गुजरता। कुछ चीज़ें हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और कुछ चीज़ें हैं जिनमें से गुजर नहीं सकता है। आए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कंडक्टर। हमने पिछले यूनिट्स में भी पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सकती है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास के कंडक्टर में से बिजली जो है आसानी से गुजर सकती है, वो कौन सी है? मेटल और वाटर। फिर नेक्स्ट उसके सामने है इंसुलेटर कि वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं कि इंसुलेटर कैन नॉट पास थ्रू मटेरियल कि वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती वो कौन सा है? वुड और रबर। ये वो मटेरियल जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने में से गुजरने नहीं देते तो इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लें वायर की। वायर के अंदर जो होता है वो मेटल है, वो उसके जरिए करंट गुजरता है लेकिन वायर के ऊपर जो है वो रबर के साथ को कवर किया होता है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है। तो मेटल जो है वो कंडक्टर है और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की रबर है उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्किट के बारे में। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, वो रास्ता जिसके जरिए बिजली इलेक्ट्रिक करंट जो गुजरता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। कि वो रास्ता जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट गुजरे उस रास्ते को हम सर्किट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब सर्किट की 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा सिंपल सर्किट होता है। सिंपल सर्किट जो है हम अपने घरों में भी आम देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों के टॉय जिनमें बैटरीज वगैरह होती हैं और दूसरा टॉर्च। ये टॉयज और जो टॉर्च है ये सिंपल सर्किट की इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लो ऑफ करंट कि करंट कैसे बहता है। फ्लो ऑफ करंट में स्टूडेंट सबसे पहले एक सर्किट को चलने के लिए ज़रूरत होती है पावर की, एनर्जी की, और उसको ये पावर और एनर्जी किससे मिलती है? बैटरी से। अब सवाल है कि बैटरी में क्या होता है? बैटरी में केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स जब बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्शंस करते हैं तो इससे एनर्जी स्टोर होती है, वो कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। कि जब वो केमिकल्स आपस में मिलके रिएक्शंस करते हैं तो जिससे एनर्जी वो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। आपको सामने एक सर्किट नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने एक बैटरी ली। बैटरी का जो एक सिरा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हमने बैटरी को एक वायर के साथ अटैच करेंगे। वायर का एक सिरा जो है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। वायर को स्टूडेंट्स हम फ्लैक्स भी बोलते हैं और इसके एक सिरे को नेगेटिव के साथ और दूसरे सिरे को बल्ब के साथ हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो है फिर हमने दूसरा जो सिरा है वायर का वो हमने इसके बल्ब से उसका एक सिरा अटैच करने के बाद दूसरा सिरा जो है हमने उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब बहाव कैसे हुआ कि बैटरी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुई और वायर्स में से गुजरती हुई वो बल्ब में से गई और बल्ब के बाद उसके अंदर एक बारीक सी वायर्स होती है जिनको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो फिलामेंट में जाएगी, फिलामेंट में जाने के बाद वो दोबारा उसकी दूसरी वायर्स में जाएगी और जाने के बाद वो पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाएगी तो जिससे वो बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। और हमने उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर को जोड़ दिया जिसके साथ जो वो बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। ये कंप्लीट सर्किट हम इसको बोल सकते हैं कि आप देख रहे होंगे इसमें कहीं भी गैप नज़र नहीं आ रहा।
अगर स्टूडेंट्स में गैप आ जाए, अगर मतलब के कट लग जाए, तो इसमें से एक करंट है वो जो नहीं गुजर सकेगा कि यहाँ से करंट पहले बल्ब में जाएगा, बल्ब में जाने के बाद वो फिलामेंट्स में जाएगा, तो जब वायर तक दूसरे तक आएगा, अगर इसमें अगर गैप होगा तो वो गैप तक आके रुक जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गैप में से क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसको हम कह देंगे कि ये एक कम्प्लीट सर्किट नहीं है। कम्प्लीट तब होगा जब यहाँ पर हमारी जो वायर्स है वो कम्प्लीट होगी, तो हम इसको क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि जब इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में से गुजरती है तो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। वो किसके ज़रिए होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस के ज़रिए होता है, जिसके ज़रिए फ्लो ऑफ चार्जेस से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। और किनके ज़रिए होती है? वो वायर्स के ज़रिए होती है। अब जो बिजली है वो तमाम एशिया में से नहीं गुजर सकती, वो जिसमें हमने पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी जिनमें से गुजर सकती है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिनमें से नहीं गुजर सकती उनको हम इंसुलेटर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि वो रास्ता जिसके ज़रिए करंट गुजरता है उस रास्ते को सर्किट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्जेस, कि फ्लो ऑफ चार्जेस में एक सर्किट को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। वो पावर किससे मिलती है? बैटरी से। बैटरी में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, और जो वो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्शंस करने के बाद एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाते हैं। फिर हमने सर्किट के बारे में पढ़ा कि जब कंप्लीट सर्किट वो होता है, कंप्लीट सर्किट के होने के लिए बैटरी, वायर्स और फिलामेंट मतलब एग्जांपल के तौर पर इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये कंप्लीट, अगर इसमें गैप आ जाए, कट लग जाए, तो वह कंप्लीट सर्किट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।